में जहरीली ताड़ी पीने से 3 लोगों की मौत, 13 लोगों की बिगड़ी तबीयत। धार जिले के टांडा क्षेत्र में जहरीली ताड़ी पीने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। बीमारों का इलाज धार व अलीराजपुर जिले में चल रहा है। बीमारों में महिला एवं बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार टांडा थाने के झाड़मली गांव में बीते दिनों मृतक सहित घायलों ने ताड़ी का सेवन किया था। इसके बाद एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बीच ताड़ी पीने वाले अधिकांश लोग बीमार हो गए। इसके बाद इन्हें धार जिला अस्पताल व अलीराजपुर रेफर किया गया था। इसमें से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोगों का इलाज अभी जारी है। हालांकि इनकी हालत अब सामान्य हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से कीटनाशक की दवा भी जब्त की है। पुलिस को आशंका है कि यहां कोई हत्या तो नहीं। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं टांडा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सर, टांडा में ताड़ी पीने से 3 लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर हैं। जी, टांडा के झड़मली गांव में भेर सिंह नाम के व्यक्ति के खेत में जो ताड़ी का पौधा था, उससे ताड़ी निकाल करके ये लोग लार्जर फैमिली के लोग पी रहे थे, जिस कारण से कुछ लोगों की उल्टी दस्त होना शुरू हुआ। एक नसरू नाम का व्यक्ति दिन में करीब 1 बजे अपने घर पे ही मर गया था। जैसे उसके घर पे सूचना मरने की मिली और जो लोगों ने ताड़ी पिया था, सबको हम लोगों ने गैदर कर अस्पताल में इलाज कराने का प्रयास किया। कुछ लोगों का उपचार धार जिले में भी चल रहा है, अस्पताल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज बोरी अस्पताल में भी चल रहा है। तो देर रात एक और महिला की मौत हुई है और एक को बोरी थाने से रेफर किया गया था झाबुआ अस्पताल में, वहाँ भी उसकी गाजिया की मौत हुई है। शेष सारे लोग स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो ताड़ी आदिवासी भाई बहन पीते हैं, ये किस तरह से प्राणघातक हुआ जिससे इनकी मृत्यु हुई, उसके हर पहलू की हम लोग जाँच कर रहे हैं और किसी तरह की कोई पहलू नई बिंदु आती है तो उसमें हम लोग अलग से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मामले में कितने लोगों की मौत हो गई और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कीटनाशक भी उनको डाली गई है? नहीं, पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग इसमें बीमार थे उल्टी दस्त को लेकर के, जो सभी स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ है। अभी सुबह सुबह मेरी बात हुई है। 3 जो मौत हुई उसमें 1 महिला है और 2 पुरुष हैं। मौके से एक कीटनाशक दवा मिली है, स्ट्राइक नाम से उसका पाउच मिला है। तो मिलाया गया नहीं मिलाया गया, हम लोगों ने जो महिला का उल्टी दस्त और स्टमक वास कराया है उसके सारे आवश्यक पदार्थ प्रिजर्व किया है और हम तत्काल उसको परीक्षण के लिए भेज रहे हैं कि जो उल्टी दस्त और स्टमक वास में पदार्थ है, इसमें किस तरह का केमिकल मिला है, केमिकल है कि नहीं है और मौत का कारण क्या हो सकता है। हमारा PM भी तत्काल होने जा रहा है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बेसिकली ये परिवार के लार्जर फैमिली के लोग बैठ के जो ताड़ी पी रहे थे उसमें कुछ ऐसा मिला होगा, अधिक मात्रा भी होने की संभावना हो सकता है जिस कारण से मृत्यु हुई होगी। कोई प्रकरण तो पंजीबद्ध किया गया है? अभी जस्ट हमारा PM रिपोर्ट शुरू हो जाएगा। PM रिपोर्ट आने के बाद हम प्रयास करेंगे कि इसका परीक्षण भी आज ही हम शाम तक हम करा लें, उसके बाद हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, जो घायल अलीराजपुर और धार जिले में है उनका क्या हाल है? अलीराजपुर में करीब 9 लोग हैं। शुरुआती दौर में 2 ही लोग गए थे, लेकिन सूचना मरने की बात जब मिली नसरू की, तो जो लोग घरों में सो रहे थे, जो वहाँ परिवार के लोग दारू पिए थे, उनको भी एहतियातन दिखा लिया गया ताकि उनको भविष्य में दिक्कत ना जाए आगे चल के। तो वो लोग सभी स्वस्थ हैं। 4 लोग भर्ती हैं आपके धार अस्पताल में, जिससे देर रात में स्वतः पूरे अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी टीम के साथ में मॉनिटर किया। रात 3 बजे तक CMHO CS सबको बुलाया था, सबसे बातचीत हुई थी। ये 4 लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि ये 13 लोग खतरे से बाहर हैं। थैंक यू सर।